नंबर सिक्स एरिस। दोस्तों, अगर आप किसी भी महीने की 6 तारीख को पैदा हुए हैं और आप एरिस राशि के हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि आप को ब्यूटी, सुंदरता जो है वो हर जगह आपको दिखाई देगी। यानी आप जहाँ पर भी खूबसूरत चीज़ें देखते हो, खूबसूरत बिल्डिंग देखते हो, खूबसूरत औरत देखते हो, खूबसूरत, मतलब नंबर सिक्स का सीधा सीधा जो प्रभाव है वो खूबसूरती के साथ होता है। तो अगर, और एडिंग ब्यूटी, इसे हम एडिंग ब्यूटी भी कहते हैं। एडिंग ब्यूटी मतलब अगर सपोज आप नंबर सिक्स हो और एरीज हो और आपने कोई एक्शन लिया है, कोई काम आप अगर करने जा रहे हो या कोई काम अगर आप कर रहे हो और उस चीज में आपको थोड़ी सुंदरता कम दिखाई दे रही है, थोड़ी ब्यूटी कम दिखाई देती है, तो आप उस चीज को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने के लिए, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देते हो। कहने का मतलब यह है कि आपकी नंबर सिक्स वालों के पास बहुत ज्यादा आइडिया होता है, वो बहुत ज्यादा आइडिया से फुल ऑफ आइडियाज होते हैं। और अगर मेष राशि है और बिना सोचे समझे वो शून्य में रह के जब एक्शन लेता है, तो वो बहुत बड़ी बड़ी सुंदरता को संसार में क्रिएट कर देता है। सपोज हम कहीं किसी गार्डन में जाते हैं और कोई गार्डन हम देखते हैं, वो बड़ा खूबसूरत गार्डन है, वही पेड़ है, वही पौधे हैं, वही सारी चीजें हैं जो दूसरे उससे भी बड़े और उससे भी खूबसूरत गार्डन में है, लेकिन ये गार्डन कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया गया है। या सपोज अगर हम किसी इंटीरियर डेकोरेटर के बारे में बात करें कि कोई कोई इंटीरियर जो करता है, तो वो इंटीरियर जो कर रहा है, वो इंटीरियर में वो और क्या ऐड कर रहा है। तो अगर आप एरीज राशि हो और अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हो, अगर आप बिल्डर हो, तो आप ऐसी बिल्डिंग बनाओगे कि अगल बगल वाले की जो बिल्डिंग है उससे भी उसमें उससे भी ज़्यादा आप और कम पैसे में और ब्यूटी ऐड कर दोगे। कहने का मतलब है कि उसमें इतनी ज़्यादा सुंदरता आप पैदा कर दोगे कि उस सुंदरता की वजह से लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होते चले आएंगे, खींचते हुए चले आएंगे। और आप जो जो भी एक्शन लेते हो, एरीज राशि वाले किसी भी फील्ड में काम करते हैं, कोई भी चीज़ में उन्हें सुंदरता चाहिए और किसी भी चीज़ की सुंदरता को बढ़ाने के लिए थोड़ा और इसमें पैसा खर्चा कर दे, तो थोड़ा और अगर ये आइडिया लगा कि ये कलर में ये कलर अगर ऐसा डाल दे तो सारे लोग आपको यूँ देखते रहेंगे। यानी क्रिएटिव फील्ड में इतने ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, इतने ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं वो, कि वो जब अपनी क्रिएटिविटी से बनी बनाई चीज़ को अगर पहले तो लोग बुरा मानते हैं उनके ग्रुप में, लेकिन जब उसमें वो और ऐड करते हैं कलर कॉम्बिनेशन या कोई भी चीज़, जब वो उसको ऐड करके जब लोगों के सामने वो प्रेजेंट करते हैं, तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार, पहले से तो 100 गुना ये बेहतर हो गई, तूने सही एक्शन लिया। तो इस तरह से अगर एरीज राशि वाले एडिंग ब्यूटी का काम करते हैं, यानी किसी भी चीज में वो एक सुंदरता को और उस को और ब्यूटी को जो है वो भर देते हैं और उसको वो पहचानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप एरीज राशि वाले हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप बिल्डर हो, आप स्टूडेंट हो, अब देखो अगर एक स्टूडेंट है तो वो अगर वो अपने पेपर राइटिंग करेगा, तो वो पेपर राइटिंग करते समय भी क्वेश्चन का जब नंबर डालेगा तो वो सारे जो डॉट डालेंगे वो कुछ, लेकिन वो कुछ ना कुछ डॉट में एक्स्ट्रा बना देगा, या जब भी वो लिखने के लिए जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा वो जरूर करेगा कि वो जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, भले ही वो प्रेजेंटेशन 100% अप टू द मार्क नहीं है, बट उसमें कुछ उसने ऐसा ऐड कर दिया है, कुछ चीज़ें ऐसी दे दी हैं, चाहे उसकी राइटिंग हो, चाहे उसकी राइटिंग स्टाइल हो या लिखने का तरीका हो, कुछ ऐसा ऐड कर दिया है कि ना चाहते हुए भी एग्जामिनर जो है उसको हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स ज़्यादा दे देता है। ठीक है, तो इसी तरह से किसी एरीज राशि वाले हैं, अगर वो बिल्डर हैं, अगर उन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई है, तो वो बिल्डिंग जो है वो दूसरी बिल्डिंग से ज़्यादा इतनी अट्रैक्टिव है कि खड़े खड़े उस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स जो है वो
बिक जाते हैं और उसे 4 रुपया ज़्यादा देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से कोई अगर हाउस वाइफ है, अगर उसने खाना बनाया है और उसने खाना तो बना दिया है, सब्जी बना दिया, अब सब्जी को ऊपर से डेकोरेट कैसे करें, उसको कैसे प्रेजेंट करें, तो ये एडिंग वाला काम है। इस तरह से जैसे ही वो एडिंग करते हैं और उसमें अट्रैक्शन पैदा करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग पूछते हैं, यार ये चीज़ किसने बनाई है, यार ये कौन सा बिल्डर है। आपने सुना होगा ना, बिल्डर कौन है यार, तो लोग बड़े बड़े बिल्डर्स का नाम ले लेते हैं, ये कौन है यार, अच्छा ये है क्या, तब तो वो चीज़ अच्छी होनी ही होनी है। तो ठीक इस तरह से वो अपने अपने आप को, अपने अंदर की क्वालिटी को पहचान कर वो उसको उसमें ऐड करते हैं, ब्यूटी को ऐड करते हैं और इस तरह से वो सबके एक लीडर हो जाते हैं। तो जब भाई जब कोई काम आता है ना, भाई ये किसने किया यार, खाना किसने बनाया, क्या डेकोरेट किया था, क्या प्रेजेंट किसने किया था, तो जैसे ही 10 लोगों के बीच में से वो किसने जो है, वो जस्ट एक सिंगल पर्सन होता है, तो जब वो जैसे ही वो उसके नाम का चर्चा होता है वैसे ही वो क्या हो जाता है, उस चीज़ का लीडरशिप करने वाला हो जाता है, यानी उसके अंदर वो क्वालिटी मौजूद होती है, वो पर्टिकुलर क्वालिटी मौजूद होती है जिसके कारण लोग उसको पूछते हैं कि किसने ये चीज़ किया। एक तो जब वो डिस्ट्रॉय कर देता है तब, और एक वो जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर देता है तो। तो दोस्तों अगर आप एरीज राशि हो और आपका 6 नंबर है तो अपने आपके अंदर की क्वालिटी को, अपने अंदर के इस मेन गुण को पहचान कर आप जिंदगी में ब्यूटी के सहारे, एडिंग ब्यूटी के सहारे, खूबसूरती के सहारे किसी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए, किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए आप जो है वो जिंदगी में स्टेप बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं अपने कदम और तरक्की आपको प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामना है।